राजू बहुत ही खुश था। वो अपनी मम्मी के साथ पापा के पास शिमला जा रहा था, जिनका ट्रांसफर कुछ ही महीने पहले हुआ था। राजू खिड़की के बाहर का नजारा देखकर बहुत खुश था, इतना खुश कि पूछो मत। मम्मी, पापा हमें अचानक से देखकर कितने खुश होंगे ना? हाँ बेटा, बहुत खुश होंगे। लेकिन तुम कब से खिड़की के बाहर देख रहे हो? चलो जल्दी से ये नाश्ता कर लो, ताकि खाली पैकेट और ये कचरा मैं डस्टबिन में फेंक कर आऊँ। हाँ माँ, अभी खा लेता हूँ। ये लीजिए माँ। क्या ये ट्रेन हमेशा ऐसे खाली रहती है? वो फर्स्ट कंपार्टमेंट में तो कोई भी नहीं है। नहीं बेटा, ट्रेन ऐसी खाली नहीं रहती, बरसात की वजह से ट्रेन खाली है। अच्छा तुम यहाँ पर बैठना, मैं अभी आती हूँ। कहीं मत जाना, ठीक है? नहीं माँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, यहाँ बस खिड़की के बाहर देखता रहूँगा। एक तो इतनी बरसात और यहाँ कितना अंधेरा भी है। फर्स्ट कंपार्टमेंट में तो कोई भी नहीं है, बहुत डरावना लग रहा है यहाँ पर। कुछ तो आवाज सुनी मैंने, घुंघरू जैसी आवाज थी। ये क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये घूम रहा है। भूत! क्या हुआ बहन जी, क्यों चिल्ला रही हैं आप? भूत, वह देखिए वो क्या है? हाय राम, आज तो अमावस की रात है और जोरों की बारिश भी हो रही है। कहते हैं ऐसे में भूत बाहर निकलते हैं। हाय, अब क्या करें? बहन जी आप अपनी जगह पर चली जाइए। अरे ये देखो, वो भूत फिर से बाहर निकला। अरे भागो, सब यहाँ से भाग जाओ, सब यहाँ से भाग लो। वो देखो नीचे नीचे घूम रहा है और घुंघरू की आवाज भी आ रही है। मम्मी, मम्मी क्या हुआ? मम्मी सब यहाँ क्यों आ गए? बेटा वो जो फर्स्ट कंपार्टमेंट खाली है ना, वहाँ पर मुझे अभी भूत दिखाई दिया है और इन सबको भी दिखाई दिया है। एक बड़ा सा भूत है और घुंघरू की आवाज भी आ रही है और इसीलिए सब यहाँ आ गए। माँ सच में भूत है यहाँ पर? हाँ, पर बेटा तुम डरना नहीं। हाँ, अगला स्टेशन आएगा तो हम उतर जाएंगे और पापा को वहीं से फोन करके बुला लेंगे। ठीक है, आओ मेरे बच्चे, आ जाओ। अगले स्टेशन तक जिंदा बचेंगे तब ना? हाय, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। मम्मी, पर क्या सच में भूत होते? हाँ हाँ बेटा, होते हैं। घुंघरू वाले, लंबे लंबे बाल वाले, लाल लाल आँखों वाले, और अगर उनके बारे में बात भी करो ना तो उन्हें पता चल जाता है। बहन जी आप इतने छोटे बच्चे के साथ अकेली हैं? क्या करूं, मेरे पति की शिमला में अभी अभी ट्रांसफर हुई है, इसलिए मैं अपने बेटे को लेकर वहीं जा रही हूं। मास्टर जी ने तो कहा था भूत भूत कुछ नहीं होता, वो हमारी कल्पना या फिर डर होता है, और तब हमें डरना नहीं चाहिए पर हिम्मत से उसमें से बाहर निकलकर सच्चाई का पता लगाना चाहिए। मम्मी का ध्यान भी नहीं है, मैं जाकर देखता हूँ कि सच में भूत है क्या। ये घुंघरू की आवाज तो आ रही है, बहुत डर लग रहा है। नहीं नहीं मैं डरूंगा नहीं, मास्टर जी ने कहा था डरना नहीं है। ये क्या है? मम्मी जल्दी आओ। क्या हुआ बच्चे? मेरे लाडले, तुम यहाँ क्यों आ गए राजू? मेरी कोई बात सुनते नहीं हो तुम। एक मिनट मम्मी, अंकल जरा नीचे देखिए ना। अरे नहीं नहीं, मरवाओगे क्या मुझे? अंकल देखिए तो।
ये नीचे तो चूहा बैठा है। वही तो अंकल, ये एक चूहा था, किसी ने फूड पैकेट खाकर फेंक दिया था और उसकी बॉर्डर पर शायद ये घुंघरू भी लगे थे और वही सचिन रिबिन ये चूहे की पूंछ में अटक गई थी, तो चूहा उस बॉक्स के साथ घूम रहा था और अंधेरे में उसे ही आपने भूत समझ लिया। मम्मा, वो भूत नहीं है, डरिए मत। क्या हिम्मत वाला बच्चा है बहन जी, आपको फक्र होना चाहिए कि आप ऐसे बहादुर लड़के की माँ हैं। सच में, हाय राम। बेटा इधर आ, इधर आ मेरे लाडले। राजू, फिर से कभी ऐसे अकेले मत जाना, ठीक है? आ जाओ यहाँ पर। शिक्षा, सुनी सुनाई अंधश्रद्धा वाली बातों पर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए।